क्या आप कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां एकमात्र औरतों का ही राज्य है, और ऐसी औरतों का जो घोर तांत्रिक हैं और जो हमेशा पुरुषों की वासना की प्यासी और उनके गर्म गर्म मांस की भूखी रहती हैं। नहीं, कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता और न ही मैंने सोचा था। चलिए तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को आपको सुनाता हूं। और हां, आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। सन 1952 ईस्वी की बात है। पुरातत्व विभाग की ओर से हुई खुदाई में मुझे एक विलक्षण मूर्ति के रूप में अत्यंत दुर्लभ कलाकृति मिली थी। लगभग 2 फुट ऊंची पद्मासन में बैठी वह विलक्षण मूर्ति मध्यकालीन थी और निश्चय ही नाथ संप्रदाय से संबंधित थी। मैंने अनुमान लगाया कि जिस जगह यह मूर्ति मिली है वहां निश्चय ही कभी नाथ संप्रदाय का कोई मठ रहा होगा। आदि शंकराचार्य से प्रताड़ित तांत्रिक साधनाओं की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम जिस संप्रदाय का आविर्भाव हुआ था वह नाथ संप्रदाय था। योग के आधार पर शिव शक्ति का समन्वय करके इस संप्रदाय ने साधना का जो मार्ग बतलाया उसमें तंत्र की सभी साधनाएं थीं। इसी युग में कुंडलिनी और षटचक्र जैसे गंभीर और रहस्यमय योग तत्वों का रहस्योद्घाटन हुआ। साथ ही हमारे देश में कई महत्वपूर्ण शक्तिपीठों की भी स्थापना हुई। पश्चिम के विद्वान इस समय नाथ संप्रदाय और उसके योग तांत्रिक पक्ष को लेकर काफी गहराई में शोध कर रहे हैं। हां, तो उस अलभ्य विलक्षण मूर्ति के बारे में थोड़ा और बतला दूं। वह मूर्ति त्रिधातु सोना, चांदी और तांबे की बनी थी और कम से कम 4-5 किलो की थी। पद्मासन पर बैठी उस मूर्ति की गोद में नील सरस्वती की मूर्ति विराजमान थी और उसकी भी गोद में ज्ञान मुद्रा में तांत्रिक गणपति विराजमान थे। देवी के 8 हाथ थे। पहले 2 हाथों की उंगलियों से उसने नील सरस्वती के तथा दूसरे हाथ की उंगलियों से तांत्रिक गणपति के नेत्रों को बंद कर रखा था। उसके तीसरे 2 हाथों में चक्र और खड्ग थे और चौथे 2 हाथों में नागपाश व नरकंकाल। देवी के गले में भी नरमुंडों की माला पड़ी थी और उभरे हुए दोनों उरोजों पर बीजाक्षर मंत्र लिखे हुए थे। देवी का मुखमंडल भव्य और आकर्षक, साथ ही भयोत्पादक भी था। उसके स्थिर नेत्रों में एक अवर्चनीय भाव था। देवी की उस विलक्षण मूर्ति का गहन अध्ययन करने के उद्देश्य से मैंने उसको अपने पास रख लिया। भला उस समय मैं क्या जानता था कि वह विलक्षण मूर्ति एक अत्यंत तिमिराच्छन्न रहस्य को मेरे सामने अनावृत कर देगी। एक दिन मैं यों ही मूर्ति का निरीक्षण कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि उसके आसन के नीचे पड़ी। वहां पेंचदार एक ढक्कन था। कौतूहलवश ढक्कन को खोल दिया मैंने। भीतर खोखली जगह में एक पांडुलिपि रखी हुई दिखाई पड़ी मुझे। घोर आश्चर्य हुआ। वह पांडुलिपि 10 से 12 पृष्ठों में की थी, जिसका आकार लगभग 1 फुट लंबा चौड़ा था। भोजपत्र के पृष्ठों पर ब्राह्मी लिपि में जो कुछ लिखा था उसको पढ़कर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। सोने की बनी स्याही से लिखे गए अक्षर बिल्कुल स्पष्ट थे। समय के प्रभाव से सर्वथा मुक्त थी वह मूल्यवान पांडुलिपि। देखकर ऐसा लगता था कि कुछ दिनों पूर्व ही उसे लिखा गया हो। मैं बड़े मनोयोग से पांडुलिपि पढ़ने लगा। पुरातत्व विभाग से संबंधित होने के कारण पांडुलिपि की आयु समझते देर नहीं लगी। वह लगभग 500 वर्ष प्राचीन थी। पहले पृष्ठों पर एक ऐसे द्वीप समूह का नक्शा दिया था जिसे आज अंडमान निकोबार कहते हैं। अगले 2 पृष्ठों में उसकी भौगोलिक स्थिति और वहां के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया गया था। इसके बाद के पृष्ठों में उस स्थान का उल्लेख किया गया था जहां केवल औरतों का राज्य था। वे औरतें नाथ संप्रदाय की अनुगामिनी थीं और उनकी इष्ट देवी थीं रिक्तोदरी। महाकाल के 12 रूप हैं, उसी में से एक रूप है कंकाल काली। इस कंकाल काली का ही दूसरा नाम रिक्तोदरी है। तामसिक तंत्र साधना में कंकाल काली का बड़ा ही भयंकर स्थान है। इसके साधक बहुत उग्र होते हैं। एक समय था जब भारत में कंकाल काली के उग्र साधकों का बोलबाला था। उनकी साधना पूजा में नर बलि, नरमांस भक्षण, योनि पूजा, गुह्य पूजा, भैरवी पूजा आदि का तामसिक विधि से उपयोग होता था। वे अपनी साधना शक्ति के बल पर सब कुछ कर सकने में समर्थ थे।
उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। इस मार्ग की साधिकाओं को कापालिनी कहा जाता था। उनके विशेष तांत्रिक अनुष्ठान नर मांस भक्षण का विशेष महत्व होता था। अपनी विशेष यौगिक क्रिया द्वारा वे काम शक्ति के आधार पर युवा पुरुषों की शारीरिक, मानसिक और प्राण शक्ति को ग्रहण कर लिया करती थीं और बाद में उसमें तांत्रिक शक्ति का समन्वय कर अपने लक्ष्य की पूर्ति करती थीं। अंडमान निकोबार की वह रहस्यमय जगह आज से 500 वर्ष पूर्व ऐसी ही कापालिनियों का गढ़ था। पांडुलिपि के अंत में लिखा था कि अंडमान निकोबार में उस स्थान पर पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है। यदि कभी कोई भूल से उस क्षेत्र में पहुंच भी गया तो उसका वापस लौटना सर्वथा असंभव है। सारा विवरण पढ़ने के बाद मैं सिहर उठा। पूरी रात उस मूर्ति और पांडुलिपि के बारे में ही सोचता विचारता रह गया। बार बार मेरे मस्तिष्क में यही प्रश्न चक्कर काटता था, क्या आज भी वहां कापालिनियों का ही राज्य होगा? धीरे धीरे 6 साल लंबा अरसा गुजर गया। मैं पुरातत्व विभाग से मुक्त होकर श्रीलंका चला गया। उस समय तक एक प्रकार से मैं उस विलक्षण तांत्रिक मूर्ति और उस पांडुलिपि को भूल ही चुका था। एक दिन कोलंबो में मेरी भेंट एक सज्जन से हुई। वे अंग्रेज थे, नाम था जस्टन। वह रिटायर्ड पायलट थे। बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझे बतलाया कि वे एक बार कोलंबो से रंगून जा रहे थे। उनका जहाज अधिक ऊंचाई पर नहीं था। जब वे अंडमान निकोबार के ऊपर पहुंचे तो एक विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। घने जंगलों से घिरे हुए एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे दर्जनों औरतें नहा रही थीं। वे सब युवा और सुंदर थीं और सबकी सब नख से शिख तक अनावृत। वे पानी में चुहल करती हुई एक दूसरी के साथ कामुकता भरा व्यवहार कर रही थीं। जस्टिन साहब की यह बात सुनते ही मुझे एकाएक फिर उस मूर्ति और रहस्यमयी पांडुलिपि की याद आ गई। वे कापालिनियां ही तो नहीं थीं? संभव है आज भी उनका अस्तित्व हो वहां। जब मैंने जस्टिन साहब को सारी कथा सुनाई तो वे भी आश्चर्य से भर उठे। बोले, हो सकता है कि वे रूपसी युवतियां जादूगरनी ही हों। न जाने क्यों मैं उस रहस्यमय इलाके में जाने के लिए उतावला हो उठा। ये मेरा पागलपन ही तो था और ऐसे ही पागलपन के वशीभूत होकर मैं जीवन भर खतरे उठाता रहा हूं। उन दिनों से लंका रंगून के लिए हर हफ्ते स्टीमर रवाना होता था। रास्ते में एक दिन के लिए वह अंडमान में लंगर डालता था। इस बात का पता लगते ही मैंने स्टीमर के कप्तान से बातें की और निश्चित समय पर अंडमान के लिए रवाना हो गया। यहीं से शुरू होती है एक विचित्र और रहस्यमय अतीत को उद्घाटित करने वाली अविश्वसनीय कथा। जब मेरा स्टीमर अंडमान पहुंचा उस समय पूरब का आकाश लाल हो रहा था। स्टीमर की बालकनी से मैंने एक बार चारों ओर देखा, फिर जस्टिन साहब के दिए हुए उस नक्शे पर नजर गड़ा दी जिसे उन्होंने मुझे चलते समय अपने अनुमान के आधार पर बनाकर दिया था। अंडमान निकोबार के पश्चिमी तट से भीतर 10 से 12 मील चलने पर वह झील थी जिसके किनारे उन्होंने उन औरतों को देखा था। मैंने निश्चय किया था कि 24 घंटे के भीतर ही सारे रहस्यों का पता लगाकर वापस स्टीमर पर लौट आऊंगा। जब मैंने अपना यह निश्चय कप्तान को बतलाया तो वह हाथ हिलाकर मुस्करा पड़ा। काश उसकी उस मुस्कराहट का रहस्य मैं उस समय समझ गया होता और अपने निश्चय को बदल देता तो। अंडमान की धरती पर अपने पैर रखते ही एक बार सिहर उठा मैं। एक विचित्र सी अनुभूति हुई। 4-5 घंटे लगातार चलने के बाद मैं घोर जंगली इलाके में पहुंच गया। गर्जन, पड़ाक, चुगलुम, दीदू टैंपिंग, लाखूच, थिंगम, एरेगी के घने और ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा था वह जंगल। मैं काफी थक चुका था। जंगल के उस काले समुद्र में घुसने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, अतः वापस लौटने की सोचने लगा। जंगल के भीतर कौन जाने किस विपत्ति का सामना करना पड़े। थोड़ा आराम करने के ख्याल से मैं एक जगह बैठ गया। फिर मैंने थर्मस से कॉफी निकालकर पी और एक सिगरेट जलाकर पैर पसार दिया। फिर न जाने कब झपकी आ गई। सहसा कई स्त्रियों के खिलखिलाकर हंसने की मधुर ध्वनि से मेरी तंद्रा भंग हो गई। आंख खुली तो मैं स्तब्ध रह गया। सहसा विश्वास नहीं हुआ मुझे। मेरी आंखों के सामने पूरी एक दर्जन युवतियां खड़ी थीं, सभी निरावरण। उनकी उम्र 18 से 20 साल के भीतर ही रही होगी। सुंदर तो नहीं, वे आकर्षक अवश्य थीं। उनके भूरे रंग के बाल काफी छोटे छोटे थे। सबके गले में मूंगे और हड्डियों की मालाएं बंधी हुई थीं।
कमर में भी सांप की हड्डियों की मालाएं बंधी हुई थीं। शरीर का रंग हल्का स्याह था, आंखों में अजीब सी चमक, साथ ही वहशीपने की झलक थी। निश्चय ही वे आदिवासी जाति की औरतें थीं। वे विचित्र भाषा में आपस में बातें करतीं और खिलखिलाकर हंसने लगतीं। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। बस आंखें फाड़े मैं उनकी ओर ताक रहा था। सहसा सबसे कम उम्र की एक युवती मेरे बिल्कुल पास आ गई और मेरा हाथ पकड़कर उस पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए उसने। दूसरे ही क्षण भलभला का ढेर सारा खून निकल आया वहां। मैं तेज दर्द से कराह उठा। वह युवती जीभ निकालकर खून चाटने लगी। फिर उसने मुड़कर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपनी साथिनियों की ओर देखा और अपनी विचित्र भाषा में न जाने क्या बात करने लगी। मेरी हालत दयनीय हो रही थी। दर्द और पीड़ा से मेरे मन मस्तिष्क पर न जाने कैसी बेहोशी छाती जा रही थी। धीरे धीरे कब और किस क्षण चेतना शून्य हो गया मैं पता ही नहीं चला। और जब चेतना लौटी तो घने जंगलों पर सांझ की स्याह चादर बिछ गई थी। मैं उस समय एक टूटे फूटे चबूतरे पर पड़ा हुआ था। सामने एक छोटी सी झील थी और उसके ठीक बगल में किसी बहुत बड़े मंदिर का खंडहर था। सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा, वहां एक नव युवती सिर झुकाए खड़ी मेरी ही ओर ताक रही थी। बहुत सुंदर थी वह, रंग भी गोरा था, आंखें चमकीली थीं, सुनहरे और घने बालों के गुच्छे उसके कंधे तक लटक रहे थे। उसकी गठीली देह मानो सांचे में ढली थी। गले में काले मोतियों और मनुष्यों की उंगलियों की हड्डी की माला पहनी थी जो उसके पुष्टोन्नत उरोजों पर झूल रही थी। दृष्टि मिलते ही उसका खूबसूरत चेहरा सहसा लाल हो उठा। कुछ क्षण बाद वह धीमे स्वर में शुद्ध हिंदी में बोली, यहां तुमको महाभैरवी के आदेश से लाया गया है और मुझे तुम्हारी निगरानी करने के लिए रखा गया है। मैंने विस्मित होकर युवती की ओर देखा। वह हिंदी कैसे जानती है? बाद में उस युवती ने ही इसका रहस्य खोला। बोली, इसमें विस्मित होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे बात करने के लिए एक हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति की आत्मा से संपर्क स्थापित कर लिया है। उसी के माध्यम से मैं तुमसे हिंदी में बातें कर सकती हूं। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं निस्संदेह कापालिनियों के क्षेत्र में आकर उनके चंगुल में फंस चुका हूं। उस युवती का नाम मोड़ा था। महाभैरवी ने उसे विशेष तांत्रिक दीक्षा दी थी और कुछ दिनों बाद वह स्वयं महाभैरवी का पद पाने वाली थी। मोड़ा को न जाने क्यों मुझसे हमदर्दी हो गई थी, समझ में नहीं आया। उसने मेरे सूजे हुए हाथ को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाया और कटी हुई जगह पर किसी जड़ी का लेप लगा दिया। जब वह लेप कर रही थी उस समय बार बार उसके पुष्टोन्नत उरोजों का मुझसे स्पर्श हो जाता था। हर बार वह सिहर उठती और उसका सुंदर चेहरा गुलाबी हो जाता। लेप करने के बाद मोड़ा ने बांस की नली में भरकर कोई तरल पदार्थ मुझे पीने के लिए दिया। उसको पीते ही मेरा सारा शरीर एक नई ताजगी और स्फूर्ति से भर उठा और रोम रोम से वासना की लपटें निकलने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा 5-6 जवान आवरणहीन औरतें हाथों में मशाल लिए मेरी ही ओर आ रही थीं। एक औरत उत्तेजित स्वर में कह रही थी, महाभैरवी उसे यहां नहीं रहने देगी, हमारे क्षेत्र में कोई भी पुरुष नहीं रह सकता। इसके बाद दूसरी औरत की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, मैंने उसका खून छककर देखा है, वह महाप्रसाद के योग्य है। महाप्रसाद का नाम सुनते ही सब औरतें एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब वे मेरे पास आई तो मैंने देखा उनमें सिर्फ एक युवती परिचित थी जिसने अपने दांत से मेरा हाथ काटकर खून पिया था। बाकी सबके चेहरे पर मेरे प्रति विद्रोह और विद्वेष के भाव स्पष्ट थे। वे काफी देर तक मेरी ओर घूरती हुई आसपास चक्कर काटती रहीं, फिर एक एक करके वापस चली गई। इसके बाद मोड़ा मुझे झील के किनारे एक पत्थरीली गुफा में ले गई। भीतर मुलायम घास का गद्दा सा बिछा हुआ था। वहां उसने मुझे फिर वहीं तरल पदार्थ पिलाया और मुर्गे का भुना हुआ मांस खाने को दिया और पास ही बैठकर मेरे बालों को सहलाने लगी। दोबारा उस पेय को पीने से पूरे शरीर में असहनीय तपन महसूस होने लगी मुझे। वासना से रक्त सनसना उठा। शायद यही हालत मोड़ा की भी थी। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वह बार बार मेरे शरीर से सट जाया करती। उसकी भूरी आंखों में अजीब उत्तेजना का भाव था। एकाएक न जाने कितने दिनों से रुकी हुई उसकी कामना का बांध टूट गया और उसने मुझे नागपाश जैसे आलिंगन में बांधकर मेरे चेहरे को चुंबनों से लाल कर दिया।
उसकी सांसों से बारूद की सी आंच निकल रही थी। मैं भी आखिर हार्ड मांस का बना मनुष्य था। मैंने भी वासना के उफनते हुए भंवर में अपने को छोड़ दिया। पूरी रात वासना की आग में झुलसते हुए दोनों शरीर एक दूसरे में खोए रहे। मोड़ा को मेरे प्रति इतनी हमदर्दी क्यों थी, इसका रहस्य अब मेरी समझ में आ गया था। मगर मोड़ा की वासना की आग एक ही रात में बुझने वाली नहीं थी। सांझ होते ही वह मुझे वही नशीला पदार्थ पिला देती, फिर पूरी रात कामांध होकर मेरे साथ वासना का खेल खेलती। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। मैं अब ऊब चुका था, लेकिन एक दिन मैंने इनकार कर दिया तो मोड़ा एकदम उत्तेजित हो उठी और कांपते स्वर में कहने लगी, नहीं, तुमको रोज मेरी वासना तृप्त करनी पड़ेगी, तब तक जब तक मैं गर्भवती नहीं हो जाती। यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है जिसे तुमको पूरा करना ही होगा। मैं लाचार था, आखिर कर ही क्या सकता था। हर रात मोड़ा तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर मेरे साथ वासना का खेल खेलती और जब तृप्त हो जाती तो आदमखोर पिशाचिनी की भांति ऐसी हरकतें करने लगती जिसका वर्णन करना असंभव है। आखिर एक दिन वह गर्भवती हो ही गई। उस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह इतनी खुश थी जैसे कोई साम्राज्य मिल गया हो। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बाद में उसकी खुशी का रहस्य तब खुला जब मुझे महाभैरवी के सामने लाया गया। सचमुच वह महाभैरवी ही थी। तांत्रिक ग्रंथों में मैंने महाभैरवी के जिस रूप का वर्णन पढ़ा था वह उससे कहीं अधिक भयंकर थी। काफी ऊंचे पत्थर की वेदी पर बैठी थी वह प्रौढ़ महिला। शरीर का रंग बिल्कुल आबनूस जैसा काला, वह भी बिल्कुल निरावरण थी। कमर में मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। सिर मुड़ा हुआ था जिस पर वह मानव शिशु की खोपड़ी रखी थी। शराब के नशे के कारण उसकी लाल लाल आंखें दहक रही थीं। चबूतरे के सामने काफी लंबा चौड़ा मैदान था जिसके एक ओर बहुत सी निर्वस्त्र औरतें पीछे की ओर हाथ बांधे सिर झुकाकर विनम्रता से खड़ी थीं। मैदान में दूसरी ओर मिट्टी की कई नांदों में मशालें जल रही थीं और उन्हीं के पास गैंडे के मोटे खाल से मढ़ा नगाड़ा रखा हुआ था जिसे एक मोटी सी औरत बड़े मनोयोग से बजा रही थी। उसकी आवाज से वातावरण और गंभीर एवं भयानक हो उठा था। मैदान के बीचों बीच एक मोटे ताजे भैंसे की बलि दी थी जिसका काला गाढ़ा खून चारों तरफ जमीन पर फैला हुआ था। महाभैरवी के इशारे पर मेरे कपड़े उतार कर लकड़ी के एक मोटे खंभे से बांध दिया गया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी इसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। बस मैं एक ही बात सोच रहा था कि शायद अब वापस नहीं लौट सकूंगा। ये आदमखोर तांत्रिक औरतें निश्चय ही मेरी हत्या करके मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगी। भय से मेरा रोम रोम कांप रहा था। मैंने चारों ओर देखा, मोड़ा वहां कहीं नहीं दिखाई दी। नगाड़े की भयानक आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। औरतें उसके लयताल पर कतार बनाकर नाचने लगी। थोड़ी देर बाद दो युवतियां मोड़ा को लिए हुए वहां उपस्थित हुईं। मोड़ा का रूप देखकर मैं दंग रह गया। उसके सिर पर मोर पंख का मुकुट था। वह गले में मोतियों की मालाएं और भुजाओं में स्फटिक का बाजूबंद पहनी थी तथा उस समय भी वह निर्वस्त्र ही थी। मशालों के प्रकाश में उद्भाषित उसकी वह देह जैसे स्वर्गिक सौंदर्य से झलमला रही थी। वह महाभैरवी के सामने आकर सिर झुकाए हुए खड़ी हो गई। महाभैरवी कटोरे जैसा एक पात्र लेकर उसमें उंगलियां डुबा डुबा कर मोड़ा की देह पर छिड़कने लगी। मैंने आश्चर्य से देखा कि छिड़का जाने वाला वह द्रव कुछ और नहीं, रक्त था। महाभैरवी ने मोड़ा के उरोजों, उभरे हुए पेट और नितंबों पर पड़े रक्त के छींटों को अपने हाथ से रगड़ते हुए ऊंची आवाज में कुछ कहा, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसे सुनकर मेरा सारा शरीर सिकुड़ने लगा। वह भाषा प्रागैतिहासिक काल की थी। मुझे समझते देर नहीं लगी, महाभैरवी निश्चय ही किसी आसुरी शक्ति संपन्न देवी का आह्वान कर रही थी। फिर विशालकाय महाभैरवी ने अपने सिर पर रखे शिशु मुंड के सिर पर रख दिया और अपने हाथों से उसे शराब पीने को दी। सब औरतें संवेद स्वर में चीख कर हर्षोल्लास प्रकट करने लगीं। इसके बाद मुझे एक अति रोमांचकारी और भयानक दृश्य देखने को मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस भयंकर अमानवीय दृश्य को याद करते ही आज भी मेरा सारा शरीर कांप उठता है। सहसा मोड़ा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी देह पर पोता हुआ रक्त मशालों के प्रकाश में काले काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहा था। मोड़ा के गिरते ही महाभैरवी अपने स्थान से उठकर उसके पास पहुंची
और अपना हाथ उसकी योनि में डालकर कोई मंत्र फिर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद महाभैरवी का हाथ बाहर निकला तो उसके साथ बहुत सारा खून भलभलाकर निकल पड़ा और जमीन पर फैल गया। बेहोशी की स्थिति में भी मोड़ा के मुंह से कातर चीख निकल गई। फिर वह रह रहकर आर्तनाद करने लगी, हे भगवान, क्या हो रहा था यह सब? घृणा से मेरी आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। दूसरे ही क्षण मैंने देखा मोड़ा की जांघों के बीच खून में डूबा मांस का एक लोथड़ा पड़ा था। निश्चय ही वह कुछ ही महीनों का गर्भस्थ शिशु का निर्जीव पिंड था। महाभैरवी ने उस लोथड़े को उठाकर पत्थर की एक बड़ी सी थाली में रखा और हाथ में तेज धार वाला छुरा लेकर उसके टुकड़े काटने लगी। जब वह लोथड़ा छोटे छोटे कतरों के रूप में बदल गया तो उसने हाथ उठाकर फिर कोई मंत्र पढ़ा और थाली लाकर मेरे सामने रख दी। उसके बाद वे सारी औरतें एकदम टूट पड़ी और उस थाली में से उस महाप्रसाद का एक एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखने लगीं। वे सभी प्रसन्न थीं और हर्षोल्लास से नाच रही थीं। उस भयंकर और रोमांचकारी अनुष्ठान की समाप्ति होने के बाद महाभैरवी का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। उसके संकेत पर मेरे बंधन खोल दिए गए। इसके बाद मुझे महाभैरवी की भाषा, जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, और संकेतों के जरिए जो कुछ समझाया उसका सारांश यह था कि मेरे पवित्र रक्त से मोड़ा का कौमार्य भंग हुआ और उसने गर्भ धारण किया है। इसके लिए वह कृतज्ञ है। तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु का महाप्रसाद का वितरण करके उसे देवी का पद दिया गया है। मोड़ा अब देवी है जो बाद में महाभैरवी का पद प्राप्त करेगी। इस प्रकार मुझे अपने पवित्र रक्त द्वारा 5 और 9 युवतियों को देवी का पद प्राप्त कराना होगा। अगर एक वर्ष के भीतर वे तीनों 9 युवतियां भी गर्भवती नहीं हुई तो महादेवी के सामने मेरी महाबली दे दी जाएगी। यह सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैदान से काफी दूर घने जंगलों के बीच किसी प्राचीन मंदिर का बहुत बड़ा खंडहर था, जिसमें गुफा जैसी कई टूटी फूटी कोठरियां थीं। उन्हीं में से एक कोठरी मुझे रहने को दे दी गई। समुद्र तट वहां से काफी नजदीक ही था। तीनों 9 युवतियां भी मेरे पास ही थीं। मार्लो ने पहले तो टाल मटोल की, पर बाद में वह मुझे तहखाने में ले जाने के लिए तैयार हो गई। खंडर वाले टूटे फूटे मंदिर से ही नीचे तहखाने में जाने का रास्ता था। मार्लो आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे। जैसे ही मैं तहखाने में घुसा, दुर्गंध से माथा भन्ना उठा, मुझे मिचली सी आने लगी। तहखाने के बीच में एक छोटा सा आंगन था जिसके चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे खंभे और दालान थे। धूल भरी जमीन काफी गंदी थी, कहीं कहीं जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। रोशनदान से आने वाले धुंधले प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा था। बाईं ओर वाले ढलान के छत के सहारे कई नर कंकाल झूल रहे थे। मार्लो ने बताया कि ये सारे कंकाल उन अभागों के हैं जिनकी यहां बलि दी गई थी। वह ढलान जहां खत्म होती थी, वहीं काले पत्थर से बने एक ऊंचे चबूतरे पर 5-6 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित थी। वह लाल पत्थर की थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही मैं स्तब्ध रह गया। खुदाई में मिली उस विलक्षण मूर्ति से यह मूर्ति बिल्कुल मिलती जुलती थी। कहीं कोई वैषम्य नहीं था। वह कंकाल काली रक्तोदरी की ही मूर्ति थी। उसी समय मार्लो से एक और रहस्य की बात मालूम हुई। जब भारत में मुगल शासन था, उस समय एक नागा तांत्रिक ने यहां आकर शरण ली थी। वह बड़ा उग्र और भयंकर तांत्रिक था। हर अमावस्या की रात वह नरबलि देता और उसका कच्चा मांस खाता था। फिर एक दिन अचानक बिना किसी से कुछ कहे वह गायब हो गया। जाते समय वह यहां स्थापित सोने चांदी और तांबे की बनी देवी की मूर्ति भी लेता गया था। वह मूर्ति बिल्कुल इस पत्थर की मूर्ति जैसी थी। बताते बताते मार्लो मेरे पास आकर खड़ी हो गई, फिर मेरे गले में हाथ डालकर पूछने लगी, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो ना? नहीं, ये क्या कह रही हो मार्लो? मैंने जल्दी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब तुम देवी बनोगी उस समय मुझे कितनी खुशी होगी बतला नहीं सकता। यह सब झूठ है, मार्लो उत्तेजित होकर बोली। मुझे तुम्हारे मन की सारी बातें अब मालूम हो गई हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम प्यार का नाटक कर रहे हो मेरे साथ। यह तुम्हारा भ्रम है मार्लो। नहीं, भ्रम नहीं है। इस मूर्ति की आंखों से आंख मिलाते ही दूसरे के मन की सारी बातें मालूम हो जाती हैं, समझे? हे भगवान,
क्या सचमुच मार्लो को मेरा उद्देश्य मालूम हो गया? दूसरे क्षण मार्लो मेरे सीने पर सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगी। मैं तुमको बहुत चाहती हूं, तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागना चाहते हो? बोलो, क्यों भागना चाहते हो? मैं भला क्या जवाब देता? बात तो सच ही थी। अचानक मेरे मस्तिष्क में जैसे कुछ कौंध गया। मार्लो की नंगी पीठ सहलाते हुए मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो? सुनते ही मार्लो एकदम से चौंक पड़ी, फिर धीरे से बोली, हां तैयार हूं। मेरे लिए देवी का पद प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है, पर यहां से भागा कैसे जाएगा? मार्लो को मैंने सब कुछ समझा दिया, फिर बाद में सोचने लगा कि उसे लेकर जाऊंगा। कहां? लोग इसे मेरे साथ देखकर क्या सोचेंगे? मार्लो तो बिल्कुल जंगली थी, सभ्य समाज से अपरिचित, एकदम पशु की तरह उसका प्रेम भी वासना में डूबा हुआ पशु जैसा ही था। इसी प्रकार की बातें सोचते हुए 4 दिन बीत गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मार्लो पहले से ज्यादा खुश थी। निश्चित समय पर मार्लो को लेकर मैं समुद्र तट पर पहुंचा। अष्टमी का उदास पीला चांद जंगलों के पीछे से निकलकर समुद्र के ऊपर आ गया था। रात का पहला प्रहर था, चारों ओर साय साय हो रहा था, सिर्फ समुद्र की गर्जती हुई आवाज भर सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद ही सामने से आते हुए स्टीमर की सर्च लाइट की तीखी रोशनी दिखलाई पड़ी। संयोग ही कहिए, वह स्टीमर वहीं था जिससे मैं कोलंबो से वहां तक पहुंचा था। कप्तान भी वहीं था जिसने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए मुझे विदा किया था। मैं मार्लो की कलाई पकड़े हुए खड़ा था। मैं जानता था कि मेरे स्टीमर पर चढ़ते ही मेरा वह हाथ हमेशा हमेशा के लिए मार्लो की कलाई छोड़ देगा, किंतु उसी समय अचानक एक हृदय विदारक घटना हो गई जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। सहसा वातावरण एक मर्मांतक चीख से कांप उठा। इसके साथ ही मार्लो की कलाई भी मेरे हाथ से छूट गई। वह धरती पर गिरकर तड़पने लगी। देखा तो जहर से बुझा हुआ एक घातक तीर मार्लो के सीने में ढंसा हुआ था। मार्लो बालू पर पड़ी मछली की तरह छटपटाती रही, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अभी मैं कुछ समझता, इसके पहले ही एक और तीर सनसनाता हुआ मेरे सिर के ऊपर से गुजर गया। पलट कर देखा, दोनों हाथों में तीर कमान लिए आदमखोर तांत्रिक औरतों का झुंड तेजी से मेरी ही ओर बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही मैं स्टीमर पर चढ़ चुका था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें, और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।